अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घंटी को दबाना ना भूलें, इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद शबाना में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप मैंने लिए सूजी। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच मैंने चीनी का लिया है, नमक लिया है मैंने 1/2 चम्मच और 2 चम्मच हम ऑयल के डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम रोटियों का आटा गूंथते हैं इसी तरह गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। पतला नहीं गूंदना इसको, ना गाढ़ा गूंदना इसको, सॉफ्ट गूंदेगा आटा। थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आप इसको अच्छे से गूंथते रहें। जितना पानी की ज़रूरत होगी हम लेते रहेंगे। आटे को मैं गूंद रही हूँ और थोड़ा आयल लगाकर और गूंथते रहेंगे ताकि अच्छे से चिकना हो जाए ये आटा। हमारा चिकना हो गया है, डो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ा सा आयल लगाकर इस पर 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी, तो कवर करके रख रही हूँ। 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं ये इसका प्लास्टिक का कवर हटा देती हूँ और इसको भून लेंगे एक हाथ से। अब मैं थोड़ा सा आटे की डस्ट लगाकर इसको और थोड़ा सेट करूँगी। और अब हम इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपको जितने चाहिए होंगे उसके हिसाब से आप पेड़े बना सकते हैं, छोटे बड़े। और मैं इसको थोड़ा सा आटा लगाकर इस तरह हम पेड़े बना लेंगे। जिस तरह हम चपातियों के पेड़े बनाते हैं इसी तरह हम बनाएंगे इसके, इस तरह पेड़े बना लेंगे। और मैं तैयार करके रख रही हूँ पेड़े, और सारे पेड़े मैं इसी तरह बना लूँगी। इस डो में हमारे 12 पेड़े बन गए। अब मैं इसको आटा लगाकर इस तरह से रोटी की तरह ही हमें इसको बेलेंगे। चारों साइड से हमें बिल्कुल एक सी बेलनी है, कहीं से मोटा और पतला नहीं हो। किनारे और बीच का बिल्कुल एक्सेस होना चाहिए हमें। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं भटूरे फ्राई करूँगी। इस तरह आस्ते से छोड़ेंगे। इसको हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ऊपर भी इसका ऑयल आ जाए। पलट लेंगे हम इसको। अब मैं इसको निकालूंगी, तो छाबी भी निकाल ली हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। बाकी भटूरे भी हम इसी तरह बेलकर फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि ऊपर भी इसका ऑयल आ जाए। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दूँगी इसका। ये देखिए मैंने सारे भटूरे फ्राई कर लिए हैं और ये हमारे भटूरे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत जल्दी और आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े के और ख़स्ता बनते हैं ये। मैंने इसे आलू की सब्ज़ी और अचार के साथ सर्व किया है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।